आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मशरूम की सब्जी। इसके लिए 250 ग्राम मटर को उबाल लिए हैं कुकर में एक सीटी। मशरूम 250 ग्राम, प्याज दो बड़े कटे हुए, टमाटर दो बड़े और एक कैप्सिकम लिया है मैंने, दो हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी कसूरी मेथी और अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून जीरा खड़ा, एक टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और ये आधा टीस्पून जीरा पाउडर। गैस ऑन कर लिया मैंने, कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें करीबन 4 टीस्पून ऑयल डालेंगे। जीरा चटक गया है तो हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, प्याज को एक मिनट तक भूनने के बाद इसमें लहसुन मिर्च का, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। जब तक प्याज भून रहे हैं तब तक इन टमाटरों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, अपना नमक अपना स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको इसमें ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब मसाले भी डाल देंगे। मसालों को हमें तेल छोड़ने तक भूनना है। इसमें थोड़ा मटर भी डाल देंगे, मटर को पहले थोड़ा डालना जरूरी है इससे कि ये पके नहीं। मटर को पकाने के लिए हमें इसमें एक आधा कप पानी भी डालना होगा, अच्छे से पक जाए। इसको हम मध्यम आंच पे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक देंगे। मटर अच्छे से पक गए हैं, हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको 1 मिनट तक भूनेंगे। करीब 2 मिनट तक भूनने के बाद और इसमें मशरूम डाल देंगे। मशरूम को ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको 2 मिनट तक भून के उसी में हल्का सा पानी इसमें डालेंगे। एक कप के करीब पानी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। दो मिनट के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे। मटर भी अच्छे से पक गए हैं, मशरूम भी पक गया है और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो ये कसूरी मेथी को भी हम थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे।
अच्छे से मिला लेंगे। हमारी मटर मशरूम की सब्जी बनके तैयार है।